आई होप यू आर डूइंग इट फ्रेंड्स। आज मेरे इंग्लिश सीरीज में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पार्ट 3 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में हमने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डेफिनेशन के साथ समझा था। तो आज के इस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में हम इसी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने वाले हैं। तो देर किस बात की, तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। इससे पहले हमने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में जाना था कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है विद द डेफिनेशन। बट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को जानेंगे, तो इन दोनों में डिफरेंस तो जानेंगे बट विद द एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर दिस इज अ गुड बॉय एंड दिस बॉय इज गुड। देखिए दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है, डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। ये जो दोनों सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस में डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और दोनों सेंटेंस में नाउन की ओर यानी कि जो बॉय है उसकी ओर इशारा किया जा रहा है। और यहाँ पर दिस यानी कि जो डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है और वो भी दोनों सेंटेंस में, मतलब दोनों सेंटेंसेस में आया है। बट डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस ये रहता है कि फर्स्ट सेंटेंस दिस इज अ गुड बॉय, यहाँ पर आपका जो दिस है वो एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। और सेकेंड सेंटेंस दिस बॉय इज गुड, यहाँ पर दिस जो है वो एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। व्हाई, ऐसा क्यों है, बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस दिस इज अ गुड बॉय, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह इसलिए यूज हुआ है बिकॉज यहाँ पर दिस जो है वो किसी नाउन को रिप्लेस करके तो आया है जिसने इस सेंटेंस को मनाया और जिसने नाउन से उसको रिप्लेस करा, उसको पता था कि उसको किसी नाउन की ओर, किसी बॉय की ओर इशारा भी करना है, इसलिए उसने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा, इसलिए उसने डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज तो करा पर एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करा क्योंकि उसको पता था कि आपको बॉय की ओर इशारा करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। सपोज आप मान लीजिए कि यहाँ पर मोहन इज अ गुड बॉय लिखा होता, ओके यहाँ पर लिखा होता मोहन इज अ गुड बॉय, बट सपोज आप मान लीजिए कि आपको मोहन नहीं लगाना होता उस वाले टाइम पे और मोहन को रिप्लेस करके आपको किसी प्रोनाउन का यूज करना था, ठीक है, आप पॉसिटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का दोनों ही यूज कर सकते हैं। बट अगर आप किसी, अगर आपको किसी भी नाउन की ओर इशारा करना हो तो सिर्फ और सिर्फ आप इस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही यूज करेंगे, ना कि पर्सनल प्रोनाउन का, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं ना कि उनकी ओर इशारा करने के लिए। ओके, सो बट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करने के लिए तो यूज होते हैं बट उन नाउन की ओर इशारा करने के लिए भी यूज होते हैं, इसलिए इनका नाम लिखा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि हमने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में जाना था कि डिमोन्स्ट्रेटिव का मीनिंग क्या होता है, नाउन मतलब सॉरी नाउन जो कह रही हूँ मैं, आपको डेमो करना, डिमोन्स्ट्रेट करना, पॉइंट आउट करना, शो करना, ये होते हैं आपके मीनिंग। और किसकी ओर इशारा करना, नाउन की ओर इशारा करना, नाउन को पॉइंट आउट करना, नाउन को शो करना, नाउन को डेमो करना, नाउन को डिमोन्स्ट्रेट करना, वही तो आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन रहा है। इसलिए उसने दिस को एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा है नाउन को और उसकी ओर इशारा भी हो रहा है। अब इस सेंटेंस में क्या हुआ है, दिस इज अ गुड बॉय, इस सेंटेंस का मीनिंग है यह एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में दिस जो है वो पास्ट की थिंग के लिए, पास्ट की पर्सन के लिए यूज हुआ है जो आपके पास में है और आप उसको टच कर सकते हैं, और वो जो पर्सन है वो सिंगुलर है ना कि प्लूरल है, वो मोर देन वन नहीं, ओनली वन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। और अब हम आते हैं हमने सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपका दिस बॉय इज गुड, सब सेम है बट दिस जो है वो यहाँ पर एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। वाई, क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो दिस है यानी कि जो डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है वो नाउन के साथ आ रहा है, यानी कि बॉय के साथ आ रहा है जो यहाँ पर नाउन है, और हमने ऐसे वर्ड जाने थे कि जो नाउन के साथ आते हैं और नाउन की ओर इशारा करते हैं और जस्ट नाउन के पहले आते हैं, वो वर्ड आपके उन सेंटेंसेस में एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज होते हैं। हमने डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में हम ये जान चुके हैं।
जब हम डेफिनेशन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और साथ ही साथ इस सेंटेंस में भी नाउन की ओर इशारा हो रहा है, और जो नाउन की ओर इशारा हो रहा है यानी कि जो बॉय की ओर इशारा हो रहा है वो बॉय आपके सामने खड़ा है, मींस वो आपके पास है और आप उसको टच कर सकते हैं, और वो जस्ट सिंगुलर है, मींस ओनली वन है, मोर देन वन नहीं, ओनली वन है, मींस सिंगुलर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। अब हम लेके आते हैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, दैट इज माई हाउस एंड दैट हाउस इज माइन। देखिए दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है, डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, और दोनों सेंटेंस में दैट का यूज हुआ है यानी कि डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज हुआ है, और दोनों सेंटेंस में नाउन यानी कि हाउस की ओर इशारा हो रहा है। बट यहाँ पर जो दैट फर्स्ट सेंटेंस में जो दैट है, दैट इज माई हाउस में दैट जो है वो एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। बट सेकेंड सेंटेंस दैट हाउस इज माइन, यहाँ पर जो दैट है वो एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस दैट इज माई हाउस में दैट जो है वो किसी नाउन को रिप्लेस करके आ रहा है, और आपको उसको पता है कि आपको नाउन की ओर इशारा भी करना है, इसलिए यहाँ पर जो दैट है वो एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। सपोज यहाँ पर होता सरस्वती सदन इज माई हाउस, ओके सरस्वती सदन इज माई हाउस। तो सपोज आप मान लीजिए कि सरस्वती सदन नहीं लगाना होता और आपको किसी प्रोनाउन को रिप्लेस करना होता, तब आप पर्सनल प्रोनाउन एंड दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि आपको उस हाउस की ओर इशारा करना है, तब आप सिर्फ और सिर्फ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्योंकि हमने जाना था कि पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो जस्ट और जस्ट आपके नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज होते हैं, ओके। बट यहाँ पर दैट जो होता है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और ये नाउन की ओर इशारा भी करता है, नाउन को रिप्लेस करता है और नाउन की ओर इशारा भी करता है। और इस सेंटेंस का मीनिंग है, इस सेंटेंस का मीनिंग है वह मेरा घर है। इस सेंटेंस में दैट जो है वो नाउन की ओर इशारा कर रहा है, और दैट जो है वो यहाँ पर जो है वो सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, और वो सिंगुलर के लिए तो यूज हुआ है, पर वो सिंगुलर थिंग आपसे फार है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, ओके जिसमें आप पॉइंट आउट करेंगे, आप अपनी फिंगर से दिखाएंगे कि वो मेरा घर है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड फार एंड नियर ऑफ दिस सेंटेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम लेके आते हैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपका दैट हाउस इज माइन, दैट हाउस इज माइन। इस सेंटेंस में भी सेम है, बट दैट जो है एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये नाउन के साथ आया है और ये जस्ट बिफोर ऑफ नाउन आया है। तो ऐसे वर्ड्स हमने जाने थे जो सेंटेंस में नाउन के बिफोर आते हैं और नाउन के साथ आते हैं, वो वर्ड्स आपके सेंटेंस में एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज होते हैं। और इस सेंटेंस का मीनिंग है वह घर मेरा है, यहाँ पर जो दैट है वो एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, और ये नाउन की ओर इशारा तो कर ही रहा है, बट दैट जो है वो फार थिंग के लिए यूज हुआ है, और वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, ओनली वन है, मोर देन वन नहीं, ओके। तो यहाँ पर जो दैट है वो फार के लिए यूज हुआ है, और वो सिंगुलर थिंग है जो फार के लिए आप यूज कर रहे हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। अब हम सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लेके आते हैं, जो है आपका These are rotten apples and these apples are rotten. देखिए दोनों सेंटेंस में डिमोन्स्ट्रेशन हुआ है, दोनों सेंटेंस में these यानी कि क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, और यही these आपके apples यानी कि जो नाउन है उनकी ओर इशारा हो रहा है, ओके। अब देखिए इस सेंटेंस में these are the apples rotten, यहाँ पर these जो है वो एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, और यहाँ पर जो these है वो एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, ओके। these apples are rotten में यहाँ पर जो these है वो एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। वाई ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल these are rotten apples, यहाँ पर जो these है वो नाउन की ओर इशारा कर रहा है, ओके वो नाउन की ओर इशारा तो कर रहा है और किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, मतलब एप्पल्स के नाउन को रिप्लेस करके आ रहा है, एप्पल्स का कोई नेम होगा उसको रिप्लेस करके आ रहा है, इसलिए यहाँ पर दीज का यूज हुआ है वो है। और देखिए यहाँ पर सपोज आप मान लीजिए कोई एप्पल का नेम होता और आप उस एप्पल के नेम को क्या करना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते, और आपको उसको किसी प्रोनाउन
किसी प्रोनाउन से आप उसको रिप्लेस करना होता है, तब आप पर्सनल प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि आपको उन एप्पल्स में पॉइंट आउट करके बताना है, पॉइंट आउट करके बताना है मतलब इशारों में बताना है कि ये एप्पल्स रोटन है, तब आप सिर्फ और सिर्फ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही यूज करेंगे और ना कि आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके, और इस सेंटेंस में जो गीज है वो सिंगुलर के लिए यूज नहीं हुआ है, प्लूरल के लिए यूज हुआ है, मींस मोर देन वन आर देयर। और वो जो मोर देन वन थिंग्स है मतलब एप्पल्स है, वो आपके क्या है, वो आपके क्या है, दीज एप्पल्स आर रोटन में जो दीज है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो है पर वो नाउन की ओर इशारा भी कर रहा है, वो सिंगुलर के लिए यूज नहीं हुआ है, प्लूरल के लिए यूज हुआ है। और यहाँ पे जो दीज है वो नियर के लिए यूज हुआ है, मतलब बहुत सारी एप्पल्स है वो आपके नियर में है मतलब पास में है और आप उनको टच कर सकते हैं, टच करके बता सकते हैं कि ये सब एप्पल्स जो है ये रोटन है मतलब रोटन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। नाउ सेकेंड एग्जांपल में लेके आती हूँ जो है आपका दीज एप्पल्स आर रोटन। इस सेंटेंस में क्या है, इसमें सेम है, इसमें दीज एज ए डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो दीज और एप्पल्स है, दीज और एप्पल्स है वो एक साथ आ रहे हैं, मतलब डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड एंड नाउन आर कमिंग टूगेदर और साथ ही साथ यहाँ पर जो डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है वो जस्ट बिफोर और नाउन आ रहा है। तो ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में नाउन के साथ आते हैं और नाउन के पहले आते हैं वो वर्ड्स आपके सेंटेंस में एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अब हम आपको लेके आते हैं लास्ट एग्जाम्पल ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है आपका Those are green plants and those plants are green. Okay? आप देखिए those are green plants and those plants are green. दोनों सेंटेंस में डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, दोनों सेंटेंस में आपका दो यानी कि डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आया है और दोनों सेंटेंस में नाउन की ओर यानी कि प्लांट्स की ओर इशारा हो रहा है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, those फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका those are the green plants, यहाँ पर जो those है वो एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है और सेकंड सेंटेंस दोज प्लांट्स आर ग्रीन, यहाँ पर दोज एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। व्हाई ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पर जो दोज आर द ग्रीन प्लांट्स हैं, दोज आर द ग्रीन प्लांट जो है वो किसी प्लांट्स के नेम को रिप्लेस करके आ रहा है और आपको पता है कि आपको ये जो नाउन को रिप्लेस करा है और आपको उन प्लांट्स की ओर इशारा भी करना है, आपको पता है तभी आप दोज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं दोज को। ओके, सपोज आप मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लांट्स का नेम होता है जैसे कि मैरीगोल्ड, यहाँ पर कोई प्लांट का नेम होता है, सपोज आप मान लीजिए कोई प्लांट का नेम होता और वही प्लांट का नेम आप नहीं लगाना चाहते, आप उसको किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना चाहते थे, सो यहाँ पर आप टू टाइप्स इसको रिप्लेस कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से एंड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। बट अगर आपको पता है कि आपको उन सभी प्लांट जो आपसे दूर है जिनको आप टच नहीं कर सकते उन प्लांट्स की ओर आपको इशारा करना है, तब आप सिर्फ और सिर्फ इस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे ना कि किसी और का। ओके, और इस सेंटेंस में दोज जो है वो प्लूरल प्लांट्स के लिए यूज हुआ है, प्लूरल प्लांट्स के लिए यूज हुआ है और प्लूरल प्लांट्स के साथ ही साथ ये बहुत दूर है मतलब आपसे दूर है जिनको आप टच करके बता नहीं सकते, आपको उसको उंगली करके बताना पड़ेगा कि ये प्लांट्स ग्रीन है। ओके, अब मैं आपको लेके आती हूँ एग्जांपल ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का लास्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल जो है मैं आपको कंपैरिजन करके बता रही हूँ जो है आपका दोज प्लांट्स आर ग्रीन। देखिए दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है, डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, सब सेम है, बट दोज जो है वो एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसलिए यूज हुआ है क्योंकि दोज जो है वो आपके नाउन के साथ आ रहा है, यानी कि जो डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड एंड नाउन जो है वो एक साथ आ रहे हैं और ये जो डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है वो जस्ट बिफोर और नाउन आ रहा है मतलब प्लांट्स के पहले आ रहा है। तो ऐसे वर्ड सेंटेंसेस में दिखते हैं जो नाउन के पहले आते हैं। ओके, जो नाउन के पहले आते हैं और नाउन के साथ आते हैं वो वर्ड्स आपके उन सेंटेंस में एज अ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज होते हैं। आई होप आप डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को एग्जांपल्स के थ्रू समझ गए होंगे। अब अगर ये विद द एग्जांपल्स हमने समझाया था तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को एग्जांपल्स के थ्रू समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई या अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में थोड़ी सी मेहनत दिखी हो तो फ्रेंड्स प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज, प्लीज
करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस ना टाइम पर मिल सके। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय।